शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा नाटक प्यार की हथकड़ी अब बस कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, मैं बेकसूर हूं। इंस्पेक्टर साहब, मामा अब तक चुड़ैल क्यों नहीं आई? इनकी बात पर भरोसा कीजिए, आखिर ये झगड़ की इज्जत का सवाल है। ओ गॉड, इतना लाउड और घटिया प्ले में नाचते नहीं देखा। अब पता नहीं ये मुस्कान कहाँ है। मुस्कान कहाँ है? किसे ढूंढ रहे हो तुम? मुस्कान की जिंदगी में रोहन और तुम लोगों की कोई जगह नहीं। मैं मुस्कान के अतीत को जलाकर राख कर चुकी हूँ। मुस्कान के लिए तुम और रोहन सिर्फ एक अजनबी हो। और हमारे यहाँ कहा जाता है, अजनबियों के मुंह नहीं लगा करते। मिताई, इन लोगों को बाहर का दरवाजा दिखाओ। देखो, प्रीति, ये एक ना एक दिन तो होना ही था। एक ही शहर में रहते हम लोग, कभी ना कभी तो टकराना ही था ना। अब क्या करें? करना क्या है, प्ले खत्म होते हम लोग उनसे पहले यहां से निकल जाएंगे। राजीव, हम लोग अभी निकल जाते। मैं नहीं चाहती कि तारा दुग्गल हमें देखे। प्रीति, प्ले के बीच में उतना ठीक नहीं होता है, और अगर हम उठ भी गए ना तो 100% पकड़े जाएंगे। चुप बैठो ना, प्ले देखो। प्ले के बीच में बात करें, किसे गवार लोग हैं। तारा चुप रहो, वरना तुम्हें लोग गवार कहेंगे। ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आई विश मैं आती नहीं। तारा, स्ट्रीट प्ले है, कोई भी आ सकता है यहाँ। प्राइवेट पार्टी थोड़ी है। राजीव, अगर ये तीनों यहाँ हैं तो मुस्कान भी यही होगी। कहीं रोहन ने मुस्कान को देख लिया तो? प्रीति, मुस्कान यहाँ नहीं है, और अगर वो होती ना तो यहाँ साथ में बैठी रहती अपनी फैमिली के साथ। अभी थोड़ा शांति रखो ना प्लीज। अगर ये लोग यहाँ पर है तो वो रोहन भी यहाँ होगा, वो दोनों मिलेंगे
भगवान जाने क्या होगा। रिलैक्स तारा, सब तुम्हारे वजह से हुआ। अभी ना मुस्कान को कैफे खोल के देते, ना ही कुछ होता। गर्मी थी तो कंट्रोल थी। तारा प्लीज। मॉम चिल ना, इतना स्ट्रेस मत लो। रोहन कहीं नजर भी नहीं आ रहा है। मुस्कान भी तो नजर नहीं आ रही। पता नहीं कहाँ होंगे। मैं फोन लगाती हूँ। तारा तारा थैंक्स, डिस्टर्ब हो जाएंगे। इन लोगों की वजह से मैं डिस्टर्ब हो गई, उसका कुछ नहीं। तारा आई डोंट केयर। अभी उसका फोन नहीं लग रहा। आई होप शी इज ओके। रिलैक्स तारा, उनकी बैटरी खत्म हो गई होगी। रिलैक्स कैसे रहो अभी? अगर वो रोहन मुस्कान को मिल गया तो गॉड नोज क्या होगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। सुनो ये संभाल के ले गया ना, पेंटिंग थोड़ी गीली, ओके संभाल के। अनु, यार मैं तुम्हें कब से सॉरी बोल रहा हूँ, माफ कर दो ना यार। रोहन मेरी एंट्री है। तो क्या हुआ? जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अनु देखो यार, हो सकता है मैंने गलत किया, पर मेरी रीजनिंग सही थी यार। मैंने ये सब क्यों किया अनु? कि हमारा प्लेन ना रुके। और अब जो तुमने मेरा हाथ पकड़ रखा है तब प्लेन नहीं रुक रहा। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाना। अनु जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। बस बस वन लास्ट टाइम, सॉरी 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 सॉरी। ओके ओके ओके, माफ कर दिया पापा। एंड आई नो बाबा, तुमने जो भी किया इस प्ले के लिए किया। अनुष्का तुम्हारे एंट्री का टाइम हो गया है। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये मजनू नहीं छूटेगा, आप लोग जाओ यहाँ से। रुकिए इंस्पेक्टर साहब। सच मैं आपको बताती हूँ, आज इस लड़की की वजह से तुम्हारी जान बची है, समझे मजनू? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी वजह से नहीं। सच्चा प्यार करने वालों को दुनिया की कोई भी ताकत जुदा नहीं कर सकती। आज इस लड़की की वजह से तेरे गुनाहों की हथकड़ी टूटी है मजनू, याद रखना। और इस तरह जुर्म की हथकड़ी टूट गई और प्यार की हथकड़ी जुड़ गई। आयो यार। मैंने ये प्ले होने दिया। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। जैसे कि तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मैं अपनी जिंदगी जी ही नहीं पाऊंगा। सरकास्टिक होने की कोई जरूरत नहीं है। आज जो तुमने मेरे साथ किया है ना, उसका नतीजा बहुत बुरा होने वाला है। बस एक बार मेरी मॉम को पता चल जाने दो। तुम जानते हो मेरी मॉम? कौन तुम्हारी मॉम? कौन है? नहीं नहीं बताओ ना, है कौन तुम्हारी मॉम? प्राइम मिनिस्टर है कंट्री की? मॉम मॉम मॉम, हर बात के बीच में तुम्हारी मॉम कहां से? जब भी जिंदगी में मैं तुम्हें एक कदम आगे ले जाने की कोशिश करता हूँ, वही तुम्हारी माँ के तुम्हें चार कदम पीछे ले जाती है। तुम हमेशा यही करते हो ना रोहन, जब भी तुम्हारे पास कुछ कहने को नहीं होता तो मुझे मॉम के ताने मारते हो। क्यों रोहन, क्या मैं कभी तुम्हारी फैमिली के बारे में ऐसी बात करती हूँ? अब आ गई ना फिर से तुम्हारी मॉम बीच में हमारे। Are you okay? तुम ठीक तो हो? तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मरो फिर। As if I care. तारा, मैं मुस्कान को देख कर आता हूँ। तारा आंटी,
चिंटू, चिंटू, चाची का है? चिंटू बेटा, तुम्हें गलतफहमी हुई, तुम्हारी कोई चाची नहीं। चिंटू, की फिंगर ऑन योर लिप। कुछ लोग कभी नहीं बदलते। तुम्हारा बेटा पहले भी शरारती था और अब भी वैसा ही। तारक, प्रतीक शांत रहो। खामखा बात बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। रोहन भी यही है, उसे शक हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि तुम लोग भी नाटक देखते हो, और वो भी ऐसे पॉश कैफे में जो मेरी बेटी का है। तो क्या ये कैफे मुस्कान का है? जी हाँ, मुस्कान का है। अरे आज किसी ने मुझ पे गरम कॉफी डाल के मुझे जान से मार डालने की कोशिश की यार। वैसे ये हरकत की किसने? उस कॉफी शॉप वाली लड़की की। चाचू, चुड़ैल की ड्राइंग बना रहे। मम्मा, अब मैं फिंगर ऑन माय लिप्स नहीं रख सकता। मुझे यहाँ पर कुछ बोलना ही पड़ेगा। तारा आंटी, आप रोंगो रोंगो रोंगो। ये कैफे चुड़ैल का है, मुझे चाचू ने बताया था। चिंटू बेटा, तुम्हारे राक्षस चाचू को बोल देना कि ये कैफे चुड़ैल का नहीं है, मुस्कान का है। समझ गए? अगर मेरी मुस्कान रोहन से मिली और उसे कुछ हुआ तो तुम लोगों का मैं क्या हाल करूंगी, इसका तुम्हें अंदाजा नहीं। देखिए, पहली बात तो हमें पता नहीं था कि ये कैफे मुस्कान का है, और दूसरी बात, अगर मुस्कान से रोहन के मिलने पे उसे नुकसान होगा तो रोहन को भी मुस्कान से मिलने से उतना ही नुकसान होगा। समझी आप? हाय भाभी, कहाँ थी आप? कब से आपको ढूंढ रही हूँ। एक मिनट अनुष्का। क्या हुआ भाभी, कोई टेंशन है क्या? नहीं, प्ले बहुत अच्छा था। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अनुष्का, तुम चिंटू को अपने साथ ले जाओ, उसे अपना सेट दिखा। ऑफ कोर्स भाभी, व्हाई नॉट। चिंटू, याद है मम्मा ने क्या कहा है? फिंगर ऑन योर लिप्स, गो। चलो 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 चलो। मॉम मॉम मॉम, सब इंतजार कर रहे थे। तो ठीक है ना? हाँ मॉम, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे कुछ हुआ? माँओं में तुम्हारी, मुझे नहीं लगेगा तो किसे लगेगा? सब कुछ ठीक है ना? डैड कहाँ है? डैड तुम्हें देखने ही गए थे वहां पे। Thank you.
डैडी यही है। मॉम तो ये है तुम्हारी मां। नमस्ते जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। हाँ, ये है मेरी मॉम और ये है मेरे डैड। अब बोलो जो बोलना है, परेशान करके दिखाओ मुझे। मैं क्या बोलूं, तुम्हें ही कंप्लेंट करी थी ना मेरे बारे में, करो। सिर्फ अगर इस लड़के ने मेरी बेटी को तकलीफ देने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप मुझसे बात कीजिए ना। एक मिनट, तुम एक दूसरे को जानते हो? मैं सिर्फ इसे जानता ही नहीं बल्कि इसे बहुत अच्छी तरह जानता हूं, और तकलीफ जो तकलीफ इसने मुझे दी है, उस तकलीफ के बारे में आप सुनोगी तो आप खुद तकलीफ में आ जाओगी। राजी, ये दोनों तो एक दूसरे के सामने ऐसे खड़े जैसे कुछ हुआ ही ना। डॉक्टर ने तो कहा था ये दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे तो इन्हें सदमा लग सकता है, मगर ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। क्या तकलीफ दी मैंने तुम्हें? मॉम डैडी ये वही लफंगा है जिसके बारे में मैंने आप लोगों से कहा। मैं लफंगा? तुम क्या हो फिर? अरे चोर हो तुम, चोर। अरे बुक चुराती है बुक। भाभी जिस चुड़ैल के बारे में बात कर रहे यही है सबसे बड़ी चुड़ैल। तुमने मुझे चुड़ैल कहा? हाँ। तुम क्या हो? चोर। अच्छा, मैं तो आज तुम्हें नहीं छोड़ा। अरे तुम आजा था मुस्कान कर, मुस्कान 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 लेजेंड भी छोड़ बेटा। अरे फिर उसने? इट्स ओके, समझिए अपने आप को। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, प्लीज कम ऑन, प्लीज प्लीज। डैड मुस्कान, वन सेक प्लीज। अब क्या हुआ? मॉम प्लीज ट्रस्ट मी, मैं बस अभी आ रही हूँ। बेटे डैड प्लीज मुस्कान। ओए मिस्टर रेड टी शर्ट, मैं तुमसे बात कर रही हूं। मैंने उस लड़की का प्लेया खत्म होने दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम छूट जाओगे। मैं तुम्हें इतने आसानी से छूटने नहीं दूंगी। कल सुबह जब मैं अपने कैफे वापस आऊंगा तो मुझे अपने कैफे की सारी चीजें उसकी ओरिजिनल जगह पर चाहिए, समझे तुम? हो गया, ये और कुछ समझाना बाकी है? हाँ, अगर तुम मेरे कैफे के आस पास भी नजर आए ना तो तुम कहीं आने जाने के लायक नहीं रहोगे। क्यों? दोनों तुम्हें सीरियस क्यों? तुम्हारा इलाका। मैं क्या हूं क्या नहीं ये तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। ठीक तो है ना बेटे? क्या डैड, मुस्कान ये रोहित रोहन जो भी है ये वही लड़का है ना जो तुम्हारे कैफे में आता है बार बार? हाँ मॉम, मैंने इसके बारे में आपको बताया था ना। डैड इसके बारे में मैंने अनिरुद्ध को भी बताया था। ऐसे अनिरुद्ध है कहाँ? बेटे वो अनिरुद्ध को हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस आ गया। मुस्कान तुम रोहन से अकेले में क्या बात कर रही थी? मॉम कौन रोहन? ओ वो रेड टी शर्ट। छोड़िए ना मॉम, आप बस इतने सवाल क्यों पूछ रही है, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। आई कांट स्टैंड हिम, आई जस्ट हेट हिम। डैड प्लीज लेट्स गो। Thank you.
नफरत करता हूं मैं उससे, समझ लेगी अपने आपको, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। अरे भाभी आप कुछ खा क्यों नहीं रही है? कुछ लीजिए ना, शुरू तो कीजिए। नहीं अनु, मुझे भूख नहीं है। मैं देख के आती हूँ कि चिंटू सोया या नहीं। भाभी मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की, उस लड़की को हथकड़ी नहीं लगानी चाहिए थी, और उस वक्त मैंने वही किया जो मुझे सही लगा, वरना वो भाभी वो प्ले नहीं होने देती। भाभी मुझे यकीन नहीं हो रहा एक फालतू से नाटक के लिए उसे तुम्हारे हाथ में हथकड़ी पहना दी, इतना बदतमीज कैसे हो सकते है? अरे तारा जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन शुक्र मनाओ कि हमारी मुस्कान ने उसे कैफे में अंदर आने से मना कर दिया। डैड मॉम मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप लोग इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो, मुझे वहां ऐसा क्यों लगा कि आप लोग उस रेड टी शर्ट की फैमिली को पहले से जानते हो। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आप लोग उस लड़की और उसके परिवार को पहले से जानते हो?